लेकर आई हूँ आपके लिए कक्षा 3 हिंदी का पाठ 9। चीजें अपनी जगह रखे। हमेशा हमें अपनी चीजों को संभाल कर रखनी चाहिए, सुरक्षित जगह पर रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे बैग हुआ आपका स्कूल का, कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपकी चीजें हैं, जो आपको सुबह जल्दी जरूरत होती है तो हमें टाइम से वो मिल जाती है, तो हमें चीजों को ध्यान से रखना चाहिए ताकि वो हमें मिल सके। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये एक संवाद है, तो हम पढ़ेंगे। सवेरे का समय है, बच्चों को स्कूल जाना है, पिताजी को दफ्तर जाना है, सब लोग अपनी चीजें ढूंढ रहे हैं। देखिए बच्चों, सब अपनी चीजें ढूंढ रहे हैं। सुबह का समय है, बच्चों को अपनी स्कूल जाना है, पिताजी को अपने दफ्तर जाना है, तो सब अपनी अपनी चीजों को ढूंढने में लगे हैं। तो दीपक लड़का है, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरा बस्ता कहाँ है, मेरा स्कूल बैग कहाँ है, माँ से कहता है। तो माँ कहती है बेटा रोज कहाँ रखते हो। क्या कहती है माँ? कि माँ कि बेटा आप जहाँ रखते हो वहीं पे देखो। दीपक यानी बेटा उसका कहता है यही रखता हूँ माँ मेज के पास, अब वहां नहीं है। दीपक क्या कहता है कि माँ मैंने तो यही रखा था, लेकिन वो अब मेज के पास ही रखता हूँ, लेकिन अब वो वहां पर नहीं है, कहाँ गया? तो माँ कहती है कल रात को तुमने गृह कार्य किया। गृह कार्य यानी स्कूल से जो काम मिलता है घर पे किया जाता है, स्कूल का वर्क, उसे होमवर्क कहते हैं, गृह कार्य। तो माँ कहती है कि कल रात को तुमने होमवर्क किया था। दीपक हाँ माँ गृह कार्य किया, सारी किताबें फिर बस्ते में रख दी थी। मतलब दीपक ने कहा कि मैंने होमवर्क किया था और होमवर्क करने के बाद में मैंने अपनी सारी बुक्स को बैग में रख दी थी। फिर माँ कहती है याद करो कि उसके बाद बस्ता कहाँ रखा। माँ आकर कमरे में ढूंढती है। माँ बेटे से कहती है दीपक से कि तुम याद करो कि तुमने लास्ट टाइम कहाँ रखा था होमवर्क करने के बाद में। फिर माँ भी उसके पास उसके कमरे में जाकर बैग को ढूंढने में लग जाती है। माँ कहती है यह देखो तुम्हारा बस्ता सोफे के पीछे रखा है। मतलब उसने काम करके दूसरी जगह पे रख दिया और उसे फिर वो बैग नहीं मिला। तो माँ ने उसे ढूंढकर बताया कि यह देखो तुम्हारा बैग सोफे के पीछे रखा है। दीपक कहता है कि हाँ याद आया, सोफे के पीछे रखा था तो वहीं रख दिया। तो दीपक कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया, मैंने होमवर्क करने के बाद में सोफे के पीछे रख दिया था और मैं भूल गया था, तो होमवर्क करने के बाद वहीं रख दिया। तो वो माँ से कहता है सॉरी, सॉरी कहने से बात नहीं बनती, अपनी चीजें एक जगह रखो तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर वो माँ से कहता है कि माँ गलती हो गई, मैंने जगह पे अपनी चीज नहीं रखी तो मुझे फिर वो मिली नहीं। तो माँ कहती है कि तुम्हें सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा, अपनी चीजों को संभाल कर रखनी चाहिए ताकि वो समय पर मिल जाए। ये थी माँ और बेटे की संवाद, माँ और बेटे की बातें। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थी माँ और बेटे की संवाद। अब हम पढ़ेंगे माँ और बेटी की संवाद। तो यहाँ पे मनीषा है, मतलब उस माँ की बेटी। तो मनीषा अपनी माँ से कहती है मेरी पानी की बोतल नहीं मिल रही, मुझे उसमें पानी भरकर ले जाना है। तो मनीषा क्या कहती है माँ से कि मेरे स्कूल की पानी की बोतल नहीं मिल रही, मुझे उसे स्कूल ले जाना है भरकर। तो माँ कहती है तुमने शाम को आकर बोतल निकाली थी। माँ क्या कहती है मनीषा से कि क्या तुम स्कूल से आकर तुमने बोतल निकाली थी बैग से? मनीषा हाँ माँ। माँ कहती है याद करो बोतल निकाली तो फिर उसे कहाँ रख दी। माँ ने क्या कहा कि तुम याद करो कि तुमने बोतल निकालने के बाद में कहाँ रखी। माँ सोने के कमरे में ढूंढती है, मनीषा भी उनके साथ कमरे में देखती है। अब वो जो सोने का रूम है
बेडरूम जिसको बोलते हैं, वो वहां पे माँ और बेटी देखने के लिए गई। मनीषा, माँ वही वह रही बोतल। अब मनीषा को बोतल मिल जाती है और कहती है पलंग के नीचे पाए के पास। मनीषा को पानी की बोतल पलंग के नीचे पाए के पास में मिल जाती है। फिर माँ कहती है पानी पीने के बाद बोतल को अपनी जगह रखना चाहिए, फिर इतना ढूंढना नहीं पड़ता। माँ क्या कहती है कि माँ पानी की बोतल को पानी पीने के बाद में सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, जिससे कि वो उसे ढूंढना नहीं पड़े। मनीषा कहती है अच्छा माँ, अब मैं ख्याल रखूंगी। मनीषा क्या कहती है कि माँ ठीक है, अब मैं ध्यान रखूंगी कि मुझे बोतल कहाँ रखनी है। पिताजी भी इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। अब ये ऊपर हो गई माँ और बेटी की संवाद। अब यहाँ नीचे पढ़ेंगे मनीषा के पिताजी और माँ की संवाद। वो भी अपने पिताजी भी इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। माँ कहती है आप क्या ढूंढ रहे हैं? पिता, मेरे गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, कहीं रख दी है, याद नहीं आ रहा। अब उन्होंने भी अपनी चीज को कहीं रख दी, गाड़ी की चाबी कहीं उठा के रख दी, और उन्हें भी वो याद नहीं आ रही थी कि उन्होंने वो चाबी कहाँ रखी। माँ कहती है आप तो रोज चाबी सेल्फ में खुटी पर रखते हैं ना। माँ कहती है कि आपने तो चाबी रखने की जगह होती ना सेल्फ, वहां खुटी पर रखी थी। पिता, हाँ अब वहां नहीं है, अब यहाँ नहीं है। माँ कहती है कल घर आने के बाद क्या किया? माँ ने उसके पिता से पूछा कि कल घर पे जब आए थे तो आपने क्या किया था? पिता, टेलीविजन पर क्रिकेट मैच आ रहा था। अरे हाँ याद आया, मैंने मैच देखने पलंग पर बैठा तो चाबी तकिए के नीचे रख दी। तो पिता कल जब ऑफिस से घर आए तो उन्होंने माँ ने उनसे पूछा कि कल आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने क्रिकेट मैच देखने के लिए बैठा और मैंने वो चाबी तकिए के नीचे रख दी। पिताजी चाबी लेकर आते हैं। माँ, आप लोग चीजें अपनी जगह रखें तो रोज ढूंढना न पड़े सब। हाँ आपसे हम हर चीज अपनी जगह ही रखेंगे। तो बच्चों ये थी दीपक और मनीषा की माता और पिता की संवाद, जिसमें उन्हें कोई चीज उन्हें चाबी उन्हें नहीं मिलती है। दीपक को अपना बैग नहीं मिलता स्कूल का, मनीषा को अपनी पानी की बोतल नहीं मिलती है, और उन दोनों के पिताजी को चाबी नहीं मिलती है। तो उन चीजों को देखने में इधर उधर टाइम खराब हो रहा था उनका। तो हमें बच्चों सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी चीजों को संभाल कर सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए, ताकि हमें वो याद रहे कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, इससे कि हमारा समय भी वेस्ट नहीं होगा, समय बर्बाद नहीं होगा। तो फिर ये थी हमारी आज की संवाद। अब आगे हम पढ़ते हैं शब्द बोध, यानी कि शब्दार्थ। गृह कार्य, स्कूल का काम जो बच्चे घर में करते हैं। होमवर्क, ख्याल रखना, ध्यान रखना। बस्ता, यानी कि स्कूल का बैग जिसमें आप कॉपी किताबें रखकर ले जाते हैं। झोला, शेल्फ यानी शेल्फ अलमारी। कुटी, मेख यानी कील। दफ्तर, कार्यालय या ऑफिस। तो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं व्याकरण। इसमें हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? पहला
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति बोलने में ही पता चल रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि गंगा, सचिन। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, उसकी जाति का बोध होता है, जैसे कि चिड़िया और पर्वत। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, रूप, रंग और स्वभाव को प्रकट करता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि सुंदरता। तो इसमें भाव क्या हुआ, सुंदर। बुढ़ापा, तो ये है भाव उनका, बुढ़ापा। तो ये है भाववाचक संज्ञा। दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्द बांट छांट कर लिखिए। अब हमें ये शब्द संज्ञा दे रखी है, इनको हमें यहाँ लिखना है कि यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा लिखनी है और यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लिखनी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में है दीपक, मनीषा। ये तो हो गए हमारे व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा यानी कि पुस्तक, बोतल। भाववाचक संज्ञा में है ख्याल और पढ़ाई। तो ये थी बच्चों संज्ञा। संज्ञा आपको समझ में आई गई होगी, तो हमें इसे लिख लिख कर हमें इसे याद करना है ताकि ये हमें आगे भी क्लास में काम आएगी। तो ये थी संज्ञा। अब हम आगे आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।